मुजफ्फरपुर बिहार से मैं निर्मला बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि लोग स्वर्ग के लोभ और नरक के डर से पूजा पाठ या भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? तुम्हारा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें देखो, सब लोग सही बोल रहे हो। जो जितने भी लोग हैं, जितने भी इस धराधाम पर है, सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके भगवान की भक्ति करते हैं। या जैसे भगवद गीता में भी भगवान बोले हैं, चार तरह के लोग मेरे भक्ति करते हैं। ऐसे ही किसी को अर्थ चाहिए, किसी को धन चाहिए, वो भक्ति करता है। किसी को जमदंड ना मिले सोच के वो भक्ति करता है। कोई सोचता है कि मुझे मेरा मनोकामना पूर्ण हो, इसीलिए भक्ति करता है। कोई है कि मुझे जानना है कि ये भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान कौन है, इसके बारे में जानना है। तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, इस तरह की चार तरह के लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं। तो यही है कि चाहे कारण कोई भी हो, भगवान की भक्ति करने से आपको उसका फल मिलता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि भगवान की भक्ति का जो उद्देश्य है, ये होना चाहिए कि हे प्रभु भगवान, हमें आपकी सेवा में लीजिए, हम आपके अंश हैं, आप हमारे अंशी हो, तो आप हमें अपनी सेवा में लीजिए, ताकि हम ये जो जीवन मिला है आपकी सेवा में काटे, ताकि ये जन्म मृत्यु की चक्कर से एक दिन निकल जाए। भक्ति का भाव तो यही होना चाहिए।